हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल देसाई। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है, ऑप्शन चेन डिकोड कर लेते हैं और मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा 3 PM का आज अच्छा खासा मोमेंटम आया था, है ना। अराउंड निफ्टी में 6 रुपये का प्रीमियम अराउंड 100 प्लस चला गया था, है ना, मैं ट्रैक कर रहा था। और एक 50 का प्रीमियम था जो मैंने खुद ने बाय किया था, जो कि अराउंड 150 प्लस चला गया था, बट उतना मैंने नहीं होल्ड किया था, ठीक है। सो आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया ये 3 PM के मोमेंटम में। होप्स गाइस आप कई लोगों ने कैप्चर किया होगा, है ना, बट इतना आसान भी नहीं रहता, इसको फ्लो में लेना पड़ता है, ठीक है। अभी देखते बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकता है। मेरे पास 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है। देखो आज कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, मार्केट ने दो बार एक लेवल हिट की, यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, दिखा होगा, है ना। कई लोगों ने सोचा अब मार्केट ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे कई लोगों को फंसा के मार्केट नीचे चला गया। ऑब्वियसली ये हुआ क्योंकि मैं खुद इसमें था कि यार मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, बट जब 444,400 ब्रेक करके एक पुल बैक देता, देन ब्रेक करता, देन इसके लिए मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली 3 बज चुके थे, अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता तो बड़ा मोमेंटम मिलता, बट ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे 5 मिनट कैंडल पे देखेंगे तो पॉज ले रहा था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो पॉज ले रहा था, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बट पैटर्न अच्छा था। अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। 44,400 सबको पता है, अब यहाँ पे जिनका भी ऐसा है यहाँ पे है, मतलब ये जो बड़ी कैंडल बनी है, रिटेलर्स नहीं बना सकते, बड़े पार्टी ही बनाते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस काइंड ऑफ, तो उनका एसएल अब यहाँ पे, अब जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा 44,400 बाइंग के लिए रिस्क ही रहेगा। और ये जो जोन है ना, ये वाला, ये सब एक वॉलेटाइल जोन है, मतलब यहाँ पे एसएल आपके हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक हमारे लिए लेवल खुल के आया है, वो ये है आज के दिन का लो, और इसके नीचे अभी स्टिल एक थोड़ा सा गैप पेंडिंग है, और जो कि हमको एक 43,940 तक के लिए एक लेवल्स दिख रहा है। अभी भी स्टिल गैप है जो कि हमको मिल सकता है कैप्चर करने के लिए, बट अर्ली मॉर्निंग होगा ये। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी 50 EMA आप चाहो तो लगा सकते हो, अच्छा वर्क करता है। 50 EMA चलिए जहाँ 44,200 और 250 एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और सस्टेन करते करते, है ना, यहीं पे सस्टेन कर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, देन हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि फ्राइडे है ना, ऑब्वियसली थोड़े प्रीमियम्स डिफरेंट बिहेव करते, तो ये ध्यान रखना। अगर 50 EMA के नीचे ओपन हुआ और फिर ये आज के दिन का लो ब्रेक करता है ना, देन हमारी एक टारगेट मिल जाएगा, ये 44,000 पहला हम टारगेट रख सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक हो गया 44,000 तो फिर नीचे बहुत बड़ी लेवल्स आपको मिल सकते हैं, दैट टू के कल के लिए। ये बड़ा कैंडल एक इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करेगा, ये लेवल, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के एसएल हैं, तो बाइंग साइड के लिए मोमेंटम जब भी मिलेगा, जब मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन होकर ये लेवल डायरेक्ट ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग करके फिर एक ऊपर चला जाए। अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ तो भी सेलिंग के लिए ही देख सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा नेगेटिव बना दिया है 3 PM पे, और स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद डे लो ब्रेक करता है, देन ऑनसो मतलब ये सपोर्ट ब्रेक करता, हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सॉरी सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी अगर हम ऑप्शन चेन डिकोड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 44,000 पे बस हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, दैट टू के पुट राइटर्स हैं जो, थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, ये लेवल भी ब्रेक किया तो अच्छा खासा मोमेंटम डाउनसाइड के लिए मिल सकता है। और दैट टू के ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, लोग लेके गए हैं, है ना, ये देखो दो अराउंड 1 लाख 1.5 लाख समथिंग इतनी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 46,000 तक यहाँ पे लोगों ने सेल करके रखा अच्छी खासी, 1 लाख वाइज है, तो थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है। होप्स के साथ बैंक निफ्टी समझोगे, चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। होप्स के साथ भी आपको दिख रहा होगा मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है, डेट टू के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आज इसी में 6 रुपये का प्रीमियम अराउंड 100 प्लस चला गया था, और 50 का जो मैंने लिया था वो तो अराउंड 150 ऊपर चला गया था, जल्दी एग्जिट कर दिया, गलती थी यार, होल्ड करता तो अच्छा प्रॉफिट मिलता था उसमें। अभी देखते हैं कि कल कैसे वर्क कर सकता है मार्केट ने। देखो निफ्टी ने क्लोज कहाँ किया, एग्जैक्ट समझ लो 50 EMA के पास, 19,700 इज अ मेजर सपोर्ट, ये अगर ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट 19,640 देख रहा है, इसके नीचे अगर गया तो बहुत बड़ा, ये देखो ये पूरा गैप है, और छोड़ना नहीं, अगर सेलिंग साइड में निफ्टी में मिला, दैट टू के हमारे लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 19,450, है ना, 19,500 ले लो आप चाहो तो, है ना, बट गैप बहुत बड़ा है निफ्टी में। अगर मोमेंटम मिलता है डाउन साइड के तो बड़े बड़े टारगेट्स दिख हमको मिल सकते हैं ना, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है ऑब्वियसली। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा, इसके क्या हमको ट्रेड करना है। देखो
फॉर एग्जाम्पल सेम बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी के पास नीचे स्पेस है जाने के लिए, सेम सिनेरियो निफ्टी के पास भी स्पेस है जाने के लिए। अगर निफ्टी यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन होने के बाद डे लो ब्रेक कर सॉरी ये वाला जो क्लोजिंग की थी जहाँ पे, ठीक है निफ्टी में क्लोजिंग के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लो बनाया है, तो निफ्टी में जब भी क्लोजिंग ब्रेक करता है और 50 EMA हो सकता है यहाँ से फंसा के ऊपर चला जाए, ये एक रिस्क है क्योंकि 50 EMA थोड़ा वैसा रिएक्ट करता है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है 50 EMA के नीचे क्लोजिंग करता है देन एक रिस्क ले सकते हैं, है ना। और अगर इसके नीचे और सेफ्टी चलनी है तो फिर 19,600 ब्रेक हो जाने दो, फिर इसके नीचे अच्छा खासा मोमेंटम साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नीचे गैप है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, सिंपल एनालिसिस था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।